आपने बहुत ही ब्रीफ में सारी चीजें बताई, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत कम टाइम में अपनी बात को रखूं। जो वोटर लिस्ट का जो इशू है, मैं वहां से शुरू करूंगा कि वोटर लिस्ट हमारे मुल्क में जो है आमतौर पे कभी बेहतर कंडीशन में आ नहीं सकी। इलेक्टोरल जो है उसकी वजह यह है कि देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एरर्स वी फाउंड इन द वोटर लिस्ट, लाइक नाम गलत है वोटर्स का, उनकी जो फोटोग्राफ होती है बिल्कुल बहुत खराब कंडीशन में होती है। कई बार ऐसा होता है किसी और की फोटोग्राफ को हम किसी के साथ जोड़ देते हैं, तो किसी की एज में प्रॉब्लम होती है, किसी के एड्रेस में प्रॉब्लम होती है, तो दिस काइंड ऑफ इश्यूज भी यूज टू सी इन द वोटर लिस्ट रेगुलरली। इसके अलावा जो बड़ा इशू हम देखते हैं वो है डिलीशन ऑफ वोटर्स। वो डिलीशन ऑफ वोटर्स जो होते हैं वो आमतौर पे जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि क्यों कर रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वोटर लिस्ट के लिए कर रहे हैं। डिडुप्लीकेशन प्रोसेस है ये, जिसमें हम बोकस जो वोटर्स होते हैं या डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं या ऐसा वोटर जिसके मल्टीपल एंट्रीज हैं उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो बोगस या मल्टीपल एंट्रीज जो होते हैं वोटर्स के, वो किस तरीके से होते हैं? वो ये होता है कि एक एक गरीब आदमी जो किराए के मकान में होता है आमतौर पे, वो आज किसी एक एरिया में रहता है और वो एक साल के बाद कोई और दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाता है। तो उसका जो इनरोलमेंट होता है वोटर लिस्ट में, उसको इन उसके उसको आईडी प्रूफ चाहिए होता है उस एड्रेस का, तो ही यूज्ड टू इनरोल फ्रॉम दैट प्लेस एज वेल। तो मल्टीपल प्लेसेस से उसका एंट्री उसमें होता है इलेक्ट्रोल रोल्स में, वोटर्स डेटा में। तो उसको प्यूरिफिकेशन करने के लिए, उसको डिलीट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ये इसका डिडुप्लीकेशन करता है। और ये कई बार हमने देखा है, जब से मैं एज वोटर इन्वॉल्व हुआ हूँ तब से हम देख रहे हैं कि ये इस तरीके के इश्यूज हैं। हर इलेक्शन से पहले जो वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट आती है, उसमें कई लोगों के नाम होते नहीं है। लोग पोलिंग बूथ पे आते हैं पुराना अपना वोटर आईडी कार्ड लेकर, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में होता नहीं है। इस तरीके के इश्यूज होते हैं। तो क्यों जो जेन्युइन वोटर्स होते हैं उनके नाम डिलीट होते हैं, जब इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डुप्लीकेट या बोगस या फिर मल्टीपल एंट्रीज जो है उन्हीं को डिलीट करें, लेकिन जो डिलीट होते हैं उसमें मेजॉरिटी जो होते हैं जेन्युइन वोटर्स होते हैं? तो उसकी वजह यह है कि जो प्रोसेस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के, वो कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में फेल होते हैं। जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एंट्रीज करें वोटर लिस्ट में, लोगों के नाम ऐड करें, वो वेरीफाई करें डुप्लीकेट वोटर्स को, उनका नाम रिजेक्ट करें, उनको नोटिस दें बिफोर डिलीशन, या फिर अगर डिलीट करते हैं तो उसके बाद उनको रीजन बताएं कि क्यों डिलीट किया गया। ये सारा प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस विच शुड बी फॉलोड, लेकिन वो होता नहीं है। उसके नहीं होने की वजहों में कई चीजें हैं। एक वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि जितने इलेक्शन ड्यूटीज पे ऑफिसर्स होते हैं, इंक्लूडिंग BLO और ERO इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये सारे डिप्यूटेशन बेसिस पे होते हैं। ये या तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज होते हैं, या फिर गवर्नमेंट टीचर्स होते हैं, या फिर आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, और डिप्यूटेशन बेसिस पे होते हैं। और इनको जो हॉनरेरियम दिया जाता है इनकी ड्यूटी परफॉर्म करने का, वो पर एनम 3 to 5,000 रुपीज दिया जाता है। यानी इतना एक क्रूशल काम उनको दिया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट रोल दिया जा रहा है। और जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि BLO इज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कमीशन ऑन द ग्राउंड, तो उसके साथ जिस तरीके का वो है कि हम उसको पे नहीं करते हैं बराबर, या उसका उसका फुल चार्ज किसी को हम नहीं दे पाते हैं। टेम्पररी बेसिस पे हम आंगनवाड़ी टीचर को बोल देते हैं या गवर्नमेंट टीचर को बोल देते हैं कि आप इसका वेरिफिकेशन करिए, डोर टू डोर वेरिफिकेशन करिए, वो होता नहीं है। तो उसके उसकी वजह ये होती है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर आता है हर इलेक्शन से पहले कि एक स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पे 1 लाख वोटर होने चाहिए थे, पोलिटिकल पार्टीज को पता चलता है कि 1,20,000 या 1,30,000 वोटर्स हैं, तो वो कहते हैं कि इसमें बोगस वोटर्स हैं, तो इलेक्शन में बोगजिंग होगी, रिगिंग होगी, तो आप इमीडिएट इसको ठीक करिए। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में आके रैंडमली वोटर्स के नाम डिलीट कर देता है। रैंडमली जिनका अपडेशन हुआ है, जिन्होंने नया नया एनरोल किया है पिछले 2-3 साल में, इस तरीके के नाम को वो लोग इमीडिएट डिलीट कर देते हैं, ताकि ये बता सकेंगे हाँ हमने ये प्रोसेस किया है और हमने 20,000 नामों को डिलीट किया है। बट देर इज नो प्रूफ के जिनको डिलीट किया है वो जेन्यून थे या फिर बोगस थे। ये एक है। तो इन चीजों पे जहाँ पे इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि उनका जो मैकेनिज्म, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करें, लाइक बूथ लेवल ऑफिसर्स को जो ना प्रॉपरली अपॉइंट करें, उनको अच्छी खासी उनकी उनको उनको उनको, उनको पैसा दें उनके काम के लिए, वो नहीं हो पाता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि एक
दूसरे वाले सोल्यूशन लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन जिसको हम आमतौर पर डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से। तेलंगाना में 2016-17-18 में आधार और वोटर आईडी का लिंक शुरू हुआ था वॉलंटरली। उसमें दो तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, घर पे आके ऑफिसर्स पूछते थे आपको लिंक करना है तो आप अपना मोबाइल नंबर, वोटर आईडी कार्ड या आधार नंबर दे दें तो दे विल लिंक दिस, या फिर आप एसएमएस कर दें ये नंबर्स को मिला के तो हो जाएगा। तो ऐसे दो तीन ऑप्शन उन्होंने दिए थे जिसमें कई लोगों ने आधार लिंक किया। 2018 इलेक्शन से पहले सेवरल रिपोर्ट्स के अराउंड 20-30 लाख वोटर नेम्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। उसमें कई सीनियर आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स के भी नाम डिलीट हुए हैं तेलंगाना से। अगर पर्टिकुलरली मैं अगर अपने केस की बात करूं तो मेरे फैमिली मेंबर्स ने किसी ने मेरा वोटर आईडी और आधार लिंक करने का फॉर्म फिलअप कर दिया था घर पे जब ऑफिसर्स आए थे। तो हुआ ये कि मेरा जो वोटर आईडी था वो मेरे पुराने एड्रेस पे था और मेरा आधार कार्ड जो था वो पुराने एड्रेस पे था और मेरा वोटर आईडी नए एड्रेस पे था, नए घर पे जहां पे हमें। तो आधार में इंफॉर्मेशन अलग थी, वोटर आईडी कार्ड में मेरी इंफॉर्मेशन अलग थी और मेरा वोटर आईडी कार्ड जो है उसमें फोटो, उसमें प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ और सारी चीजें मैंने ऐड की थी जो मेरे पास वोटर आईडी कार्ड में अभी भी है। लेकिन जब इलेक्शन के टाइम पे जब मेरा वोटर स्लिप आया उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो थी मेरी पुराने एड्रेस से थी और पुराना वाला फोटो, पुराना एड्रेस, सारी पुरानी डिटेल जिसको मैंने अपडेट किया था वो सारी चीजें। इट मीन्स के जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने की थी इलेक्ट्रोल में वो सारी डिटेल डिलीट कर दी गई और मुझे मेरा ये मानना है कि जो आधार की जो इन्फॉर्मेशन मेरी है पुराने एड्रेस पे पुरानी डिटेल्स जो उसको उसने समझा कि ये एक्यूरेट है, ये सही है तो उसको उन्होंने चेंज कर दिया उससे। तो ठीक है, लेकिन अगर वोटर आईडी और आधार से लिंक करने में ये दिक्कत होगी कि हमको हर बार अपने एड्रेस को या अपने डिटेल्स को अपडेट करना पड़ेगा तो दिस कैन बी ए बिग चैलेंज, क्योंकि गरीब लोग जो हैं नहीं कर सकेंगे। और आधार रूल्स में और सर्कुलर्स जो इशू किए हैं यूआईडीए ने उसमें कई जगहों पे इसका जिक्र किया गया कि आप एड्रेस, नेम या दूसरे जो डिटेल्स हैं आपकी दो या तीन बार अपनी लाइफ में अपडेट कर पाएंगे। तो इसको भी हमको सीरियसली देखना पड़ेगा। एक दूसरा जो केस था जिसमें वो फेशियल रिकॉग्निशन का फॉर वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तेलंगाना में कोमपल्ली एक म्यूनसिपालिटी है, वहां पे म्यूनसिपल इलेक्शन में 10 पोलिंग बूथ पे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने प्रपोज किया था। तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ये एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जो सारे डेटाबेस को मैनेज करती है, या फिर आप ऐसा बोलें कि ये तेलंगाना का खुद का अपना एक यूआईडीआई जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे डेटाबेस मेंटेन करता है। उसने प्रपोजल दिया इलेक्शन कमीशन को कि हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं फेशियल रिकॉग्निशन का, यानी जो वोटर आएगा पोलिंग बूथ पे उसको वोट डालने से पहले उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अपने वोटर डिटेल्स जो हैं वो टीएसटीएस को शेयर किए 10 पोलिंग बूथ का। वहां पे उनके टीएसटीएस के ऑफिसर्स को रिक्रूट किया गया, वो लोग जो वोटर्स थे उनके फोटोग्राफ ले रहे थे, अपडेट कर रहे थे और उनको अलाउ कर रहे थे वेरिफिकेशन के बाद वोट डालने के लिए। तो ये 2020 में हुआ। इसमें जो इनका जो सक्सेस रेट रहा या करेक्टली आइडेंटिफाई जो परसेंटेज रहा है 10 पोलिंग बूथ में उसमें 63-85 के बीच में इनका सक्सेस रेट रहा टू आइडेंटिफाई द वोटर। इसमें दिक्कत यह है कि अगर फेशियल रिकॉग्निशन को अगर तेलंगाना गवर्नमेंट समझ रही है कि हम इसको यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई द करेक्ट वोटर और डुप्लीकेट या बोगस वोट ना पड़े उसके लिए, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि आपको पहले अपना वोटर लिस्ट सही करना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा था कि वोटर लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है फोटोग्राफ वोटर की, जो मेजॉरिटी लोगों के फोटोग्राफ आज भी ठीक नहीं है वोटर लिस्ट में। अगर जिन्होंने करेक्ट करवाया है जैसे कि मैंने करवाया था तो उसको भी उन्होंने डिलीट कर दिया है और पुराना वाला फोटो जो शायद मेरे आज के चेहरे से मैच ना करे वो उसमें है। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स हमारे आमतौर पे ये लोग पब्लिक डोमेन में डालते हैं, लेकिन टीएसटीएस को उन्होंने कलर फोटोग्राफ्स शेयर किए थे। तो ये था। और जो लो परसेंटेज ऑफ वेरिफिकेशन इनका था जिस पुलिस स्टेशन, पुलिस बूथ पे, पोलिंग बूथ पे, उसकी वजह इन्होंने बताई कि वहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू था। ऑफकोर्स होगा क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे हमारे पास इलिटरेसी ज्यादा है, हमारे पास गरीबी ज्यादा है, हमारे पास लोग भूख से मरते हैं, तो हम ये समझेंगे कि हम यूएस या यूके में जो फार्मूला काम में आता है या जो टेक्नोलॉजी यूज में आती है वो सेम चीज हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो नहीं होने वाली है। आप शहरों को अगर जहन में रखे अगर कोई पॉलिसी बनाते हैं तो वो शायद हमारे मुल्क के लिए
काम में ना आए। तो एक तो इंटरनेट का प्रॉब्लम उन्होंने बताया कुछ पोलिंग बूथ पे, और कुछ जगहों पे लाइटनिंग का इशू बताया, जहाँ पे अंधेरा था या लाइट प्रॉपर नहीं थी, उनको वहाँ पे वेरिफिकेशन बराबर नहीं हो पाया। पर वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कितने लोगों को उन्होंने चेक किया था और कितने लोगों का किस वजह से जो है उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया फेशियल रिकग्निशन का। जो ऐप इन्होंने यूज़ किया है फेशियल रिकग्निशन के लिए वोटर्स का, वो डेवलप किया गया है तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज ने। ये ऐप सबसे पहले डेवलप किया गया था जो पेंशनर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनका उनका वेरिफिकेशन करने के लिए। साल में एक बार हर पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि उसको हयातनामा बोलते हैं हम लोग, उसको सबमिट करना पड़ता है। पहले ये होता था कि हम जाते थे गजेट ऑफिसर के सामने, पेंशनर को खड़ा करते थे, वो वेरीफाई करता था कि हाँ ये जिंदा है तो इनको पेंशन कंटिन्यू करनी चाहिए। उसको इन लोगों ने डिजिटाइज किया करके सारा जो वोटर्स का डेटाबेस इनके पास था जो पहले लीक हुआ है। पहले हमारे स्पीकर ने भी कहा है कि तेलंगाना में आंध्र यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में वोटर्स का जो डेटाबेस है कलर फोटोग्राफ के साथ वो लीक हुआ था, तो उसको वो डेटाबेस तेलंगाना स्टेट टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज आज भी यूज कर रही है। वोटर्स का डेटाबेस उन्होंने उस ऐप में डाला पेंशनर वेरिफिकेशन के लिए जो बनाया था, उसमें वोटर्स की डिटेल्स और जो प्रेजेंट पेंशनर है उसकी आज की डिटेल्स उसको वो लोग मैच कर रहे थे। तो उनका मानना यह है कि बहुत से केसेस में उनको सक्सेस रेट मिला है पेंशनर्स को वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने ये प्रपोज किया कि हम पेंशनर्स के लिए ये कर रहे हैं तो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि वोटर्स के लिए भी ये किया जाए। तो इसमें एक तो ये है कि जो डेटा इलेक्शन कमीशन ने शेयर किया है पीएसटीएस को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन ने कलर फोटोग्राफ्स उनको दिए हैं, डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन उनको दिए हैं, और आरटीआई जो मैंने फाइल किया था उस जिसमें ये सारी डिटेल्स पीएसटीएस ने बताई है, उन्होंने कहा है कि हमने अपने सर्वर से सारी डिटेल्स डिलीट कर दी हैं, सारा डेटाबेस डिलीट कर दिया, फोटोग्राफ सारी चीजें, बट वी डोंट नो उन्होंने डिलीट किया है या नहीं किया है। उसी तरीके से तेलंगाना में जो दूसरे जो प्रोग्राम चल रहे थे डिजिटाइजेशन के, जिसपे मेरा थोड़ा सा तजुर्बा है, जिसमें राशनिंग का एक केस है और पेंशन वेरिफिकेशन का, मैंने तो आपको बताया ही है। अब दिक्कत ये कि अगर वोटर्स वेरिफिकेशन के लिए आप फेशियल रिकग्निशन या फिर आधार का यूज करेंगे, तो इसमें जो आधार में जो पहले प्रॉब्लम हमको आए थे वो प्रॉब्लम हमको आगे भी आने वाले हैं। अगेन फेशियल रिकग्निशन में फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी आप यूज करें उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी उस पर डिपेंड करता है, आपका लोकेशन जो होगा उस पर डिपेंड करता है, और इंटरनेट की कनेक्टिविटी कहाँ पर होगी उस पर डिपेंड करता है। और अगर कोई मैं अगर जा रहा हूँ और एक ऑफिसर मेरी फोटोग्राफ ले रहा है लेके बिना मैच किए डेटाबेस से और कह रहा है कि नहीं आपका वोट यहाँ पे नहीं है, तो मैं वोट नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि वो जो है वो वोटर वेरिफिकेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो ऑफिसर को दी गई, जिसके पास फोन होगा। अगर वो ऐप में सर्च ना भी करें, सिर्फ ऐसा बता दें कि मैंने फोटो लिया है, तो लोग मानेंगे कि हाँ इनके पास डेटाबेस में नहीं है तो हमको कहीं और जाना पड़ेगा, लोग वोट नहीं करेंगे चले जाएंगे। जैसे वोटर्स का नाम डिलीट होता है तो लोग पोलिंग बूथ के चक्कर काट के घर जाके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पोलिंग परसेंटेज बहुत घटता है। पोलिंग में पोलिंग परसेंटेज इसलिए नहीं घटता है कि लोग वोट देने के लिए नहीं आते, पोलिंग परसेंटेज इसलिए घटता है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन बराबर नहीं मिलती है, और उनका पोलिंग बूथ जो होता है वहां पे उनका नाम नहीं होता है, या उनका नाम उनके होता है तो इनके आई डी कार्ड में वो सारी चीजें मैच नहीं कर पाती। ये सब चीजें हैं। फेशियल रिकग्निशन के यूज में एक दिक्कत जो आ सकती है औरतों के साथ, मैं जब कम्युनिटी में लोगों से मिलता हूँ तो मैंने जब डिस्कस किया कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपको वोट देना पड़ेगा आगे चल के, तो आपकी फोटोग्राफ ली जाएगी, तो औरतों की तरफ से ज्यादा रेसिस्टेंस आ रहा था। लोग बोल रहे थे कि नहीं हम इस क्यों फोटो हमारी दे, ऑलरेडी हमने फोटो दे दिया है, गवर्नमेंट के पास डेटाबेस है, गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स हमारी है, फोटो हमने दिया है, उसको स्कैन किया है हमारे आई डी कार्ड पे, लेकिन फिर हम दूसरी फोटो क्यों दें उनको? तो ये चीजें हो सकती है। फिर अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वहां पे इस टेक्नोलॉजी का यूज करना बहुत ही चैलेंजिंग होगा, ट्राइबल कम्युनिटी के साथ मुश्किल हो जाएगा, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ट्रेडिशनली जाके फोटोग्राफ उतरवाना करवाना ये सारी चीजें थोड़ा सा दिक्कत होती है। आम लोगों में जो इलिटरेट लोग होते हैं वो लोग उसको ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, इस तरीके के इश्यूज आएंगे। एक और जो एक्सपेरिमेंट रिसेंटली लास्ट ईयर तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है वो था ई वोटिंग। ई वोटिंग में ये था कि जो इंफॉर्मेशन इनके पास है, जो लोग वॉलंटरी इसमें एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहे उनको एक्सेस दिया गया एक ऐप का, जिसको डाउनलोड करेंगे और सेल्फी लेंगे, सेल्फी लेके उनको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा कि ये आदमी है, तो उनके डेटाबेस के साथ लिंक करेंगे तो वहां से रिमोटली ही कैन वोट, अपना वोट दे सकेगा। तो इस तरीके के टेक्नोलॉजी, इस तरीके के जो रास्ते गवर्नमेंट निकाल रही है,
जबकि गवर्नमेंट के पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे प्रोसेसेस हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की बजाय टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन, वो भी इंटरनेट बेस्ड, उतना आसान नहीं होगा, लोगों को परेशानियां होगी। और इस तरीके के टेक्नोलॉजी बेस्ड जो सोल्यूशन गवर्नमेंट निकाल रही है, ये बहुत ही आर्बिट्ररी पावर्स देती है स्टेट को विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। जैसा मैं एक केस यहाँ पे डील कर रहा हूँ, वो है डिलीशन ऑफ राशन कार्ड्स का। तेलंगाना गवर्नमेंट ने पिछले 6 साल में 20 लाख राशन कार्ड्स डिलीट किए हैं बिना बेनिफिशियरीज को बताए कि क्यों उन्होंने किए हैं। ये सारा प्रोसेस डिजिटाइज किया गया है, एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें वोटर्स का डेटा, वोटर लिस्ट का इंफॉर्मेशन, आधार की इंफॉर्मेशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की इंफॉर्मेशन, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो होता है उसके पास से इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन लेकर इन्होंने इंकॉर्पोरेट किए एक सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर को कुछ कोडिंग इन्होंने दी है जिसपे सॉफ्टवेयर एनालिसिस करेगा और बताएगा कि ये कैटेगरी में आप लोगों को जो है ना डिलीट करेंगे। तो जो कंप्यूटर जनरेटेड रिजल्ट है उसमें उसको बिना वेरीफाई किए फील्ड में उन्होंने रिजेक्ट कर दिया 20 लाख राशन कार्ड। उसका केस तेलंगाना हाईकोर्ट में हमने फाइल किया था, PIL अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी तरीके का जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशन जो होते हैं ये आर्बिट्ररी पावर्स देते हैं विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। अगर अब हम जाके ERO से पूछें कि मेरा वोटर आईडी कार्ड किस वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो वो जवाब नहीं दे पाएगा। ही विल से कि जनाब नहीं, हमको पता नहीं, क्योंकि ये कंप्यूटर पे हुआ है, कंप्यूटर बेस हुआ है, तो हमको इस चीज की पता नहीं। तो ये सारी चीजें हम लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आगे भी फेस करेंगे। ये सारी चीजें हमको, जब तक हम डोर टू डोर वेरिफिकेशन का इंतजाम नहीं करेंगे वोटर लिस्ट का, या वोटर लिस्ट को सुधारना है तो हमको डोर टू डोर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमको जो अवेलेबल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। I am very thankful to the OneNote project and Article 21 Trust for giving this opportunity. Thank you. Thank you so much, Masood. आपका बहुत interesting था आपका session, and especially जो सारे experience आपने share किया। मैं ये question आपसे पूछना चाहती थी कि जिन लोगों के नाम voter roll से हटे, जो आपने तेलंगाना का experience बताया because of आधार linking, क्या उनमें से किसी ने कोई legal action लिया, कोई कहीं कोई complaint करी, court में कहीं कोई case file किया? एक तो ये, और दूसरा कि क्या कोई भी मैकेनिज्म या पॉसिबिलिटी है, अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो कौन सी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या रिमेडी अवेलेबल है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा शेयर कर सके तो। जी, डिलीशन ऑफ नेम्स के इशू में 2-3 केसेस पहले फाइल हुए थे, रिसेंटली नहीं, आधार के इशू में नहीं, उससे पहले PIL फाइल हुए थे। उसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज ने उसको फाइल किए थे, तो आई डोंट थिंक कोर्ट उसको कितना सीरियस लेगा, और उसको किस तरीके से हमको आर्ग्यू करना पड़ेगा, क्योंकि आज के हालात अलग हैं। आज आधार को इन्होंने बेस बनाया है, पहले रैंडमली डिलीट करते थे, और कई बार रैंडमली डिलीट करने में हाईकोर्ट के ऑर्डर्स का भी हाथ रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ठीक है, आपके पास 1,20,000 होने चाहिए, लेकिन 1,20,000 है, तो आप इमीडिएट इसको रेक्टिफाई करिए। तो कमीशन ने उसको रैंडमली डिलीट किया और रिपोर्ट सबमिट कर दी कि हमने कर दिया है सर। तो इस तरीके के रहे, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कोई केस अभी तक गया नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, जो आपका था कि जो प्रोसेस हैं, जो म्यूनिसिपल एक्ट जो है, जो GHMC को मॉनिटर करता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप किसी वोटर्स का नाम डिलीट करेंगे तो आपको नोटिस देनी पड़ेगी, आपको रीजन के साथ बतानी पड़ेगी। और इस एस्पेक्ट को लेते हुए जो हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट है हैदराबाद के, लुबना सरवर, जो पॉलिटिकल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी के साथ कंटेस्ट किए थे हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने केस फाइल किया था। यही बोलते हुए कि जो प्रोसेस था उसको आप लोगों ने अडॉप्ट नहीं किया। आई डोंट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट केस, लेकिन आई कैन चेक एंड लेट यू। कोई भी प्रोसेसेस में, जैसे राशन कार्ड का केस में बताया था, उसमें मेन ग्राउंड हमारा ये था कि आपने कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम पे एक्शन लिया है, आपने राशन कार्ड डिलीट किया है, लेकिन आपने बेनिफिशियरी को नोटिस नहीं दिया, या आपने वेरीफाई नहीं किया फील्ड में जाके कि आप जो रिजल्ट हमको मिला है वो सही है या गलत है, ताकि जो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बेनिफिशियरीज को उसकी बात रखने की, वो मौका आपने नहीं दिया। तो दिस इज अगेंस्ट द नेचुरल प्रोसेस एंड दिस लीगल प्रोसेस। तो उसको हम चैलेंज किए थे, इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि कैसे हम करेंगे। इसी के एक्सटेंशन में एक क्वेश्चन और था कि अभी जैसे उन्होंने आधार और वोटर आईडी लिंकिंग का जो बिल पास हुआ है, उसमें ये भी लिखा है कि ना सिर्फ
कि अगर कोई पहली बारी जब अपना नाम वोटर रोल में डलवाने के लिए आएगा तब भी आधार मांगा जा सकता है और वेरीफाई करने के लिए भी मांगा जा सकता है। तो जो पहली बारी अपना नाम लिखवाने की जाते हैं वोटर रोल में, अगर वहां पे मना कर दिया जाए कि आपका नाम जो भी है वेरीफाई नहीं हो रहा है, आधार से मैच नहीं कर रहा है, या किसी भी वजह से अगर उनका, या पहले भी अगर अगर किसी का नाम वोटर रोल पे नहीं डाला जाता था किसी भी वजह से, तो क्या रिमेडी अवेलेबल होती है? इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसको इनरोल करने के लिए, जो ऑथोराइज पर्सन है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर कैन फिल अप द एप्लीकेशन और रिकमेंड कर सकता है कि ईआरओ को आप इसको प्रोसेस करिए। तो ईआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें सारे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन कई केसेस मुझे याद है जब एप्लीकेशन हम लोग 6-1 एप्लीकेशन होता है जो इनरोलमेंट के लिए देना होता है वो देते थे, तो उसमें इनसफिशियंट डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ के ग्राउंड पे वो रिजेक्ट करते थे एप्लीकेशन। ऑनलाइन प्रोसेस जब था तब भी करते थे। ऑनलाइन प्रोसेस पहले बहुत ही इजी था जिसमें हम किसी फैमिली मेंबर्स का, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनकी एक डिटेल्स डाल दें और अपनी डिटेल्स डाल दें तो दो वो वेरीफाई हो जाता था। यानी कि मैं मेरी मदर का आईडी कार्ड का जो रेफरेंस है वो दे दूं तो होता था। लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं वो लोग। ऑनलाइन पोर्टल में भी वो लोग बोल रहे हैं कि आप अपलोड करिए अपना एड्रेस प्रूफ, अपना आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में अभी तो अब शायद वो लोग आधार कार्ड को ट्रीट करेंगे, पहले राशन कार्ड हुआ करता था, तो राशन कार्ड भी नहीं है। तो ईआरओ के पास ये पावर्स हैं जो रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है एप्लीकेशन। अगर वो नहीं करता है तो वी कैन फाइल ए कंप्लेंट बिफोर द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो म्युनिसिपल कमिश्नर होता है। Thank you so much, Mr. I actually also had a question. Anecdotally, when do people who have been deleted from the electoral rolls, when do they actually realize that this has happened to them? Because as you said, there's no process of notifying them. So when do they actually kind of get to know that they've fallen off the list for rations or the voter list? When they went to the polling booth, और दे एक्सेसिंग देयर राइट टू वोट, तो जब पता चला कि योर नेम इज नॉट हियर, बस उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, दे हैव द वोटर आईडी कार्ड, बट द ओरिजिनल लिस्ट दे डोंट हैव देयर इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स। ओके,